हेलो सर। जी मैम, हेलो, मेरी एक प्रॉब्लम है सर। जी बताइए। मेरा बेबी है, वो 1 साल का हो गया है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उससे पहले भी मेरी एक बेटी है। तो जी मैम, जी जब मेरा बेबी हुआ था तो मेरे ब्लीडिंग हो गई थी काफी। उसके बाद से मेरा कम से कम 9 kg वेट लूज हो गया और नाइन मैंने बहुत दवाइयां भी खा ली। मेरे बैक पेन भी रहता है काफी। मैं कुछ भी खा लूं, चाहे मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूं, चाहे फ्रूट्स खा लूं, डाइट मेरी ठीक है पर मेरा जी वेट नहीं बढ़ता। मेरे हाथ पैर सब सूखे और बिल्कुल पीले रहते हैं। एकदम से मैं थक जाती हूं। मैम, खाना अगर हमें थोड़ा भी खाया और वो सच में अंदर पच जाता है ना, पूरा शरीर हमारा अंदर से तंदुरुस्त है, हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लीवर, किडनी, पैंक्रिया सब काम कर रहा है, और खाना हमने कम भी खाया तो शरीर को लगेगा। और अगर वो अंदर से ढंग काम नहीं करते, पूरी तरह से भोजन को नहीं पचा पा रहे, और आप कुछ भी खाएंगे, सोना भी खाएंगे ना, तब भी वो नहीं लगेगा। जी, वैसे तो मेरा डाइजेशन तो सही रहता है बिल्कुल, मुझे ऐसी कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम महसूस रहती होता नहीं है, है। जी कुछ चीजें कभी कभी महसूस नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता। इसके लिए आप लीवर के और पेंक्रियास के, पेट के हम बहुत सारे आसन अभी करवाएंगे, बताएंगे। इसके लिए प्राणायाम बहुत कारगर सिद्ध होंगे। अगर आप इसको करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अगर आप योग अभ्यास लगातार करेंगे मैम, तो आपकी जो आंतरिक समस्याएं हैं वो अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। ये पूरा उससे चौमन हाँ तो वो जी गिर जाएगा। पैसा कमाता है अभी। फिलहाल आरबी सेल्स भी बोल कमाए रहा थे। ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, टाइफाइड था। समस्या हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा 7 point something ही रहता है। है। अगर इस क्लास के बाद आप बात करें तो मैं और मैं विस्तार से आपको बताऊं, ठीक ठीक है सर, ठीक है? विस्तार से बेटा योगा जिनकी गर्दन में दर्द करो। रहता है, पीठ में दर्द रहता है, वो गर्दन को आगे ना झुकाया करें, अब अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं और आधा आधा डुलाएं। और जो लोग स्वस्थ हैं वो पीछे एक बार नीचे लाएं गर्दन को, और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएं, आंखें बंद रखें, सांस को नॉर्मल। अंशु मैम, आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए। पेट के लिए अभ्यास बता रहे हैं। देखिए, अभी आप वज्रासन में, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने की आदत जरूर बनाएं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट वज्रासन में जरूर बैठा करें। अब इसी वज्रासन में यदि हम मंडूक आसन करते हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हैं, नाभि के पास लगाते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं, ये पेट के लिए, लीवर के लिए, आंतरिक सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको शुगर है उनकी शुगर खत्म हो जाती है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम चल रही है उनका लीवर बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। बेटा आवाज बिल्कुल बंद ही कर लिए ना बेटा। तुम अवस्था में आकर के हम लोग छोटा छोटा सांस ले सकते हैं। यहाँ पे आके हम कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। 1 मिनट से 5 मिनट तक हमको इस मुद्रा में बनाए रहने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग एक बार में नहीं रुक सकते तो वो 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, एक अभ्यास कई कई बार कर सकते हैं। इस अवस्था में यदि आप कपालभाति करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
दूसरा इसका एक और बोल है कि आप एक हाथ को नाली पर रखेंगे, दूसरे हाथ को हाथ के ऊपर रखेंगे, अपनी सांस को फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर खूब चीज का टूल यहाँ आकर छोटा छोटा सांस ले सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। ये आसन भी हो रहा है और प्राणायाम भी, डबल लाभ होगा इससे। प्रकार से हम कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, छोटा छोटा सांस भी ले सकते हैं। 1 मिनट से 5 मिनट तक इस मुद्रा में बने रहने का अभ्यास कर सकते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। मंडूक आसन का नाम है इस आसन का, मंडूक आसन। जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा 400-500 तक बढ़ जाती है, वो लगातार इस अभ्यास को करें और शुगर की टैबलेट अपनी गोलियां बंद कर दें। मैं कहता हूँ 10 से 15 दिन में मुश्किल से उनको पूरा नॉर्मल हो जाएंगे अगर इस तरह से अभ्यास करेंगे। तो शाम को भी किया जा सकता है, कुछ लोग खाना अगर दोपहर में खाते हैं तो उसके 5 घंटे बाद शाम को वो इस अभ्यास को दोबारा से कर सकते हैं, खाना खाने के 5 घंटे बाद। इस प्रकार हम अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास वक्रासन, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, एक पैर को ऐसा मोड़ते हुए जो पैर खड़ा है उसका विपरीत हाथ ले जाएंगे, एक हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा, उसने पकड़ने की कोशिश। पेट के लिए बताए जा रहे हैं अभ्यास, बहुत लाभकारी अभ्यास। इस अभ्यास में भी आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। एक आसन को 5 मिनट तक करने से उसको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दूसरी साइड से कर सकते हैं। इस अवस्था में पूर्ण अवस्था हो जाती है एक आसन की, तो उस पूर्ण अवस्था में जाकर के हम कोई भी प्राणायाम कपालभाति या स्त्री का कर सकते हैं, इससे हमें विशेष लाभ। यहाँ आकर हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक आसन करते हुए
और उसका प्राणायाम भी उसी में कर सकते हैं, इससे डबल लाभ प्राप्त होगा। इसी में है अर्धमस्तिष्क आसन। आप एक पैर को मोड़कर नितंब के नीचे ले जाएंगे, दूसरे पैर को घुटने के पास। ये सारे अभ्यास पेट के लिए बहुत लाभकारी। दूसरे हाथ को इधर स्ट्रेच करते हैं, ऐसे पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ को गंगा छूने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार दूसरी साइड से ये योग का नियम है कि आप दाएं जाएंगे तो बाएं भी करेंगे, बाएं करेंगे तो दाएं भी करेंगे, आगे से झुकेंगे तो पीछे भी झुकेंगे। ये इसका एक टूल है। ऐसे करा तो साहब को पीछे की तरफ जंगा छूने की कोशिश करते, उनको बैक पीछे ले जाएंगे और थोड़ी देर इस मुद्रा में बने रहेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, या आप खुद प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम इस मुद्रा में बहुत लाभकारी होता है। अर्धमस्तिष्क की स्थिति में कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभकारी। दोनों पैरों में वज्रासन में रखकर एक पैर ऐसा, दूसरे पैर को इसके ऊपर इस प्रकार रख लेंगे जैसे गाय का मुंह होता है, गौमुख आसन इसका नाम भी है। बहुत लाभकारी अभ्यास है, जो हमारा एक पैर नीचे रहेगा और एक पैर उसके ऊपर। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दूसरा हाथ पैर जो नीचे पैर है उस हाथ को पीछे की तरफ, और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे फंसा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। जिनका नहीं आता है धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आ जाएगा पकड़ने का अभ्यास करेंगे। 1 से 5 मिनट तक बैठेंगे और अगर यदि हम कोई प्राणायाम इसमें कर पाते हैं तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कपालभाति भी हो सकता है, भस्त्रिका भी हो सकता है। एक से 5 मिनट तक करते रहें, इसका अभ्यास बनाने का प्रयास करें तो ये बहुत लाभकारी होता है। तो हमारे हाथों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, या कमर के जो रोग होते हैं उन रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप दूसरी साइड से कर सकते हैं, एक पैर दम के नीचे दूसरे पैर को उसके ऊपर। अब जो पैर हमारा ऊपर है उसको हाथ की तरफ रखेंगे
और जो पैर हमारा नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ, और फिर वही क्रिया दोहराएंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास जितना आ सकता हो, जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इस मुद्रा में जाकर फिर हम वही प्रयास दोहराएंगे। कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। धीरे से वापस कार्य अभ्यास धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, और ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। योगा कर्मे शुभम, बार बार कहा गया है महाभारत गीता में, कहा गया है योगा कर्मे शुभम। योग कर्म करने की कुशलता को बढ़ा देता है। योग तोड़ मोड़ की विद्या नहीं है, गहरा लंबा सांस लेके छोड़ने की विद्या नहीं। ये तो हमारे छोटे छोटे यंत्र हैं, इनको हमने रोग की दृष्टि से अपनाया है, लेकिन योग एक बहुत बड़ी चीज, योगिक जीवन है। पूरा जीवन योग में जीना, सुबह को थोड़ी देर फूंक मार ली, वो योग नहीं। समभाव बना के रखना, गुस्से पे नियंत्रण करना, किसी पे ईर्ष्या ना करना, किसी से द्वेष ना करना, अपने संबंध को बना के रखना, योग करते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो योग नहीं करते, उनके साथ भी हम लोग उसको बना के रखते हैं। इस प्रकार से हम लोग अभ्यास किए। अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। आज का जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस समय में सबसे ज्यादा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को, सॉफ्टवेयर को सही करने के लिए प्राणायाम की अति आवश्यकता है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें और पूरा करें। चलिए भस्त्रिका से शुरू करते हैं। गहरा लंबा सांस लेंगे, डायफ्राम में भरेंगे, छोड़ देंगे, 2.5 सेकंड में भरेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ देंगे। कुछ लोग तेज कर सकते हैं वो करें, बाकी लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या अगर हो जाता है वो तो नॉर्मल तरीके से करेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम था, करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो जाता है, बुखार या कोरोना के संक्रमण से आए हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने बक्ष में थोड़ा सा करेंगे, गहरा लंबा सांस करेंगे और छोड़ देंगे। कल 1 तारीख है, 1 तारीख से 21 तारीख तक हम लोगों ने इस सत्र को विशेष बनाने के लिए कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं, कुछ इसमें बौद्धिक चीजें होंगी जो हमें समझनी होंगी, शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आप के लिए कौन सी क्रिया किस प्रकार से वर्क करती है। तो बौद्धिक भी बहुत अच्छा होता है, जानकारी भी होनी चाहिए। हम योग कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं किसके करने से क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, तो उन सबकी विशेष जानकारी भी कुछ विशेष विशेषक देंगे। बहुत सारे टॉपिक उसमें रखे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, श्वसन तंत्र किस प्रकार से हमारा पूरी तरह से कार्य करता है, पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, या दर्शन क्या होता है, समाधि तक लोग कैसे पहुंचते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या वास्तव में पहुंच सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के हमने बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया है और हम कोशिश करेंगे कल से कि हमारे बीच कुछ विशेष मेहमान विद्वानगण आए और उनसे हम ज्ञान अर्जित कर पाए, लाभान्वित हो पाए। तो अपने पास आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते। बक्ष क्रिया इस ऐसा करने से 5 से 10 मिनट में आपका ऑक्सीजन लेवल 10 से 15% तक बढ़ जाता है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उंगलियां पंजे पर ऊपर के पूरा गहरा लंबा सांस करेंगे, चलाएंगे सांस को बाहर छोड़ेंगे, सारे एंटीटॉक्सिन हमारे बाहर हो जाएंगे। से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने, श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने, साइनस की समस्या को खत्म करने, इस प्राणायाम का बहुत अहम। अगला प्राणायाम कपाल भाति प्राणायाम, जैसे सभी कपाल माथा भाति माने चमकना, इसके करने से ग्लो आता है, चेहरा चमकता है, चेहरा तभी चमकेगा जब हमारा पेट पूरी तरह से कार्य अच्छा से करें। पेट को स्वस्थ बनाने के लिए 1 सेकंड में सांस पेट को पीछे करेंगे, 1 सेकंड में बाहर, सांस को नॉर्मल, सांस को विशेष ध्यान देने का सिखाएंगे, पेट पीछे की तरफ संकुचित करेंगे, छोड़ देंगे। कपाल भाति प्राणायाम
कुछ लोग इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। सर जैसे ऐसा था, कभी कभी फ्रेश नहीं हो पाते सुबह को, तो मतलब हम योगा फिर में दिक्कत आती है कुछ, मतलब सुबह जल्दी वो नहीं हो पाता, फ्रेश नहीं हो पाते कभी कभी, तो मतलब ऐसे ही वो तो सर पीती हूँ, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा लेट वो होता है। सर क्या आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ सर, जैसे किसी दिन अगर ना हो तो मतलब फिर तब योगा कर सकते हैं, मतलब इंतजार यही करें? पहले आपको सूक्ष्म प्राणायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म प्राणायाम हम लोग बताते हैं उनको कर सकते हैं, या और दूसरी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन भारी आसन इस कंडीशन में नहीं कर सकते, नहीं करने के लिए। आप रात को त्रिफला ले सकते हैं। ओके थैंक यू। क्लास के बाद बताएंगे तो मैं एक बार आपको बताने के बाद। सर आवाज कम आ रही है सर। क्लास होने के बाद आप एक बार बताइएगा ना, मैं पूरी तरह से आपसे बताऊंगा किस प्रकार से। ओके अभी हम बात कर रहे थे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में पेट को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, आप धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे। एक सेकेंड में एक बार इसको पूरे दिन में लगभग 30 मिनट तक लगातार या बीच बीच में रुक करके या दूसरे व्यायाम प्राणायाम करके बीच में सांस रख के रुक रुक के बारह पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम ये सबसे ज्यादा लाभप्रद प्राणायाम है। मूला चक्र, धार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर तीनों चक्रों को प्रभावित करता है अकेला एक प्राणायाम। जिन लोगों के सर में बहुत दर्द रहता हो या आधी सीसी का दर्द रहता हो, माइग्रेन पेन रहता हो, उन लोगों के लिए आप बीच के माथे से तीन उंगलियों से इस माथे को पूरी टाइट करके प्रेस करें पीछे। आप किसी और से भी करा सकते हैं क्योंकि अपने हाथ से इतना टाइट नहीं हो, पूरी तरह से टाइट और बीच सेंटर से माथे को पीछे की तरफ प्रेस करते जाए। कभी कभी घों के पास से यहाँ से प्रेस करेंगे, जिनके सर में माइग्रेन पेन रहता है, किसी का दर्द रहता है, जो लोग बहुत जमाने से दवाइयां खा रहे हैं, उन लोगों को 3 दिन में पूर्ण रूपेण खत्म करने का बहुत अच्छा प्रयास। 3 दिन में कितना ही माइग्रेन खत्म हो जाता है। ऐसे कई कई बार इसको प्रेस करेंगे, बार बार इसको प्रेस करते जाएंगे पीछे की तरफ। यहाँ एक गड्ढा महसूस करेंगे, देखेंगे अगर छुप कर गड्ढा गड्ढा सा महसूस होगा, इस गड्ढे में अपने अंगूठे से पूरी ताकत के साथ इसको प्रेस कर दीजिए। स्वयं शायद इतनी प्रेस नहीं होगा ताकत से, और से अगर कराएंगे तो बहुत ताप लगता है, माइग्रेन पेन बहुत जबरदस्त ताप है। एक ही बार इसको हम पीछे करेंगे, टाइट वे में करेंगे, किसी और से कराएंगे तो बहुत अच्छा।
कई कई बार इसको पीछे की तरफ प्रेस करते हुए, फिर जहाँ इकट्ठा है उसमें हम बहुत तेजी से दबाएंगे। ऐसा सुबह को 2-3 बार कर लें और 3 दिन तक लगातार करेंगे तो आप कमाई करेंगे। नहीं, कान के आगे आप महसूस करेंगे, कान के बिल्कुल पास एक नस खड़क रही होगी। इस नस को भी आप बीच बीच में सुबह में शाम में कभी प्रेस करेंगे, ऐसा दबाएंगे तो आपको जीवन में लकवे की समस्या नहीं। ऐसे कभी कभी लकवे की स्थिति पैदा हो सकती है किसी से, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर घटने की वजह से, और बहुत सारे इसके हो सकते हैं। तो आप कान के पास कोई नब्ज हमारी दिखाई दे रही है, इस नस को थोड़ा साइड से दिखाएंगे सर, थोड़ा साइड से नस कहाँ पे दबानी है? यहाँ महसूस करेंगे कान के आगे, तो आपको जैसे नब्ज चलती है ना हमारे हाथ में, बिल्कुल वैसे ये चलती हुई नजर आएगी, आपको फड़कती हुई नजर आएगी, नस फड़कती हुई नजर आएगी आपको। और इस नस को आपको अंगूठे से टाइट वे में प्रेस करना होगा। अगला अभ्यास चल रहा था प्राणायाम का, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम ये तो सांस को पूरी तरह से अंदर भर के भी इसको रोक के रख सकते हैं, या फिर हम अपनी पूरी सांस को बाहर छोड़ दें और फिर तीरबंध के साथ इसको करेंगे, विशेष लाभ होता है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, जाला नंबर पैन बंद और मूल बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। जितने सेकंड आप रोक सकते हैं रोकने का अभ्यास करेंगे, यदि इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो यह कोशिश में बढ़ जाता है। एक बार और कोशिश करेंगे, तीरबंध के साथ बाहर बनाया, गहरा लंबा सांस करके उसको भी रोक कर सकते हैं। जालंधर बंद के साथ देखें एक बार, कार्तिक राउंड पर ऐसा भी किया जाता है, किसी किसी को कमर में बहुत दर्द हो जाता है अचानक, आप अपनी रिंग फिंगर के इस हिस्से को, सर आवाज बहुत कम आ रही है, यदि किसी को कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है कभी तो, आप अपनी इस रिंग फिंगर की और बीच वाली उंगली के इन दोनों हिस्सों को किसी गोल पेन से, पेंसिल से प्रेस कर दी, दबा दीजिए थोड़ी देर, ऐसे पेन से चला दीजिए। कमर का कितना ही पुराना और कितना ही तेज दर्द
पांच दस मिनट में खत्म हो जाता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल फिरा दी जैसे। एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट हैं, इस दिन पूरी चर्चा करेंगे इस पर। यहां से दबाते हुए अंगूठे के इस हिस्से को, उंगली को यहां से दबाते हुए पूरा इसको प्रेस करेंगे। बहुत विशेष लाभ होता है कमर दर्द में। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उसके लिए आप ये पॉइंट है, यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में, ये कर्ण की छोटी वाली उंगली और इसके रिंग फिंगर के जो बीच में पॉइंट है, यहाँ पे आप दबाएंगे, विशेष लाभ है। या जिनको साइनस रहता है, अस्थमा की समस्या रहती है, वो इन उंगलियों के टॉप पे ऐसे प्रेस करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है जो क्विकली आराम पहुंचाते हैं, अभी करो अभी लाभ पाओ, ये बोल स्थान। तो इस तरह के हमने कई सारे विद्वानों को जो एक्यूप्रेशर के बहुत ज्ञाता हैं, या जो प्राणायाम के बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं, या जो दूसरे तरीकों से दर्शन का ज्ञान रखते हैं, ऐसे कुछ विद्वानों को आमंत्रित किया है, तो हम आपके बीच उनको उपस्थित करेंगे। आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं ताकि कुछ मोटी मोटी बातें नोट करते जाएं। तो बीच बीच में ये जैसे ही उनको मौका मिलेगा समय के अनुसार, बीच में हम आपकी क्लास में उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। अपने गले को छोड़ी को नीचे संकुचित करते हुए गले से सांस को खींचने का प्रयास करते हैं, और जैसे घर्राटे की स्थिति होती है, व्यक्ति को रात में सोते हुए घर्राटे आते हैं, वो उस तरह की आवाज आती है। फिर उसको अपने डायफ्राम में भर के रखेंगे, खोलने रोकेंगे, उसके बाद सीधी नासिका बंद करते हैं, उल्टी नासिका से बाहर करते हैं। आप कहीं विपदा में फंसे हों, कहीं रेगिस्तान में फंस जाएं, कहीं ऐसे जंगल में फंस जाएं, ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपको पानी ना मिले, गला सूख रहा हो, लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा, मैं मर जाऊं, आप अपनी जीभ को तालू पे लगा दीजिए ऊपर, ऐसे देखेंगे 15 से 20 मिनट में ये धीरे 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 पूरा गला गीला गीला हो जाएगा, लार से लबरेज हो जाएगा, बहुत जबरदस्त लार हमारी निकलती है। या जिन लोगों को लार बनने की समस्या हो जाती है, जो लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां का प्रयोग करते हैं, उनको धीरे धीरे मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, किसी किसी का तो बोलना भी बंद हो जाता है, और कभी कभी स्थिति हो जाती है कि खाने में भी प्रॉब्लम होती है, और अंत में वो प्राण छोड़ देता है। केवल लार ना बनने, बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको आप बीच बीच में दिन में स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। अपनी जीभ को अपने तालू पे मोड़ के लगा देंगे तो आपकी लार बनने की क्षमता बढ़ जाती है। एक बार और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बीच बीच में जो बातें मुझे याद आती हैं, ध्यान रहता है, जो अच्छी हैं, लाभकारी हैं, गुणकारी हो सकती है, मैं उनको अपनी याद दिलाता रहता हूँ।
गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास उज्जायी प्राणायाम। इसके आगे आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधी नासिका को बंद करके उल्टी नासिका से सांस को शुरू करते हैं, उल्टी नासिका से सांस को भरते सीधी नासिका छोड़ते हैं, अब जिससे छोड़ेंगे फिर उसी से भरे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम का ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। यदि हम लोग कुछ समय तक सांस को रोक कर रखते हैं फिर दूसरी नासिका से छोड़ते हैं तो ये बन जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो अनुलोम विलोम से भी कई गुना ज्यादा लाभकारी। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10 हजार 201 नस नाड़ियां पाई जाती हैं। उन सबको शुद्धिकरण करने का कार्य, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होने का साफ करने का, शोधन करने का वर्क अनुलोम विलोम या इस नाड़ी शोधन से बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, हमारा मस्तिष्क बोलना शुरू कर देता है, याददाश्त कमजोर जिनकी हो जाती है उन लोगों के लिए बहुत रामबाण इलाज। इसको गंगा कोई यमुना कोई सरस्वती कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी, इंडला पिंडला, सुषुम्ना नाड़ी, जैसे जैसे सुषुम्ना अनुलोम विलोम की हम अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी सुपड़ी अवस्था में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो जागृत हो जाती है और अच्छे से होती है, मूल द्वार मूलाधार चक्र तक पहुंचती है, प्रतिष्ठान चक्र को आठों चक्रों को जागरण करने का कार्य करती है। इससे विशेष शक्ति विशेष ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है अनुलोम विलोम पर। कारण अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार 30 मिनट तक कर सकना चाहिए करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो थोड़ी देर रुक कर सकते हैं, बीच में दूसरे प्राणायाम कर सकते हैं, दूसरे अभ्यास कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, या हम शाम को इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर 30 मिनट से कम इस अभ्यास को करते हैं तो बहुत विशेष लाभ उसका नहीं होता। एक दिन में हर प्राणायाम की एक हमें समय सीमा है, उस समय सीमा के अनुसार यदि हम करें तो हमें स्पेशल लाभ होता है।
अनुलोम विलोम को कम से कम 30 मिनट तक, आधे घंटे तक करें। अगला प्राणायाम है ग्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान के छोटे हिस्से को प्रेस करेंगे ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आए और अंदर की आए। गहरा लंबा सांस लेंगे ओम का उच्चारण करते हुए, भौरे की तरह उसको गुंजन करेंगे। यहाँ से ऊपर का हमारा पूरा मस्तिष्क, नाक, कान, आंख स्वस्थ होता है। ठीक है, नहीं आ रहा जी सर। हेलो, चित्र नहीं आ रहा है आपका स्क्रीन पे? किसी की स्क्रीन पे नहीं आ रहा कि आपकी पे नहीं आ रहा सर? और कोई साथी अपना माइक अनम्यूट करके जरा बताएं प्लीज। आ रहा है सर, आपका चित्र आ रहा है। आ रहा है सर। सर के फोन में कोई तो नहीं आ रहा है। जो सर, भ्रामरी प्राणायाम 3 बार गहरा लंबा सांस लेके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। अभी हमने 3 बार कराया, इनको इसका विशेष लाभ लेना हो, समय की पाबंदी के कारण ऐसा होता है, इसको पहले या बाद में क्लास की बात कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। 10, 11, 21 बार यदि इसको करेंगे तो इसका विशेष लाभ होगा। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, कान कूड़ा के लिए, कान बेहतर के लिए, जिनकी मेमोरी बहुत कम हो गई हो, जिनके मस्तिष्क में सर में बार बार दर्द रहता हो, उन लोगों के लिए रामबाण इलाज प्राणायाम। अगला प्राणायाम आंखों को बंद रखते हुए उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम गहरा लंबा सांस लें, ओम का उच्चारण करें। आंखों को बंद रखेंगे, अगर आंखें खोलेंगे तो आंखें तिल में ले आएंगे, अंधेरा आएगा, आंखें दिखेंगी, इसलिए आंखों को बंद रखते हुए प्रणव प्राणायाम की तरफ चलते हैं। प्रणव प्राणायाम अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने भगवान का ध्यान करते हुए सांसों पर गौर करेंगे। सांस अंदर आती है क्योंकि ऊर्जा का संचार होता है, एक ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सांस छोड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि मेरे शरीर का कष्ट, मेरे रोग, मेरी अंदर की बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही है।
प्रार्थना करता हूँ वो मेरे शरीर से बाहर निकल के जा रही है, तो क्षमता का भाव मेरे शरीर में निवेश हो रहा है। इस भाव के साथ थोड़ी देर बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे।